क्या आप एक गर्भवती माँ है जो अपने नन्हे शिशु के आगमन का बेसरी से इंतजार कर रही है? सुरक्षात्मक वर्निक्स के मोटे होने से लेकर मस्तिष्क और फेफड़ों के विकास में अविश्वसनीय प्रगति तक हम आपको हर कदम पर ले जाएंगे, चुके नहीं इस अद्भुत यात्रा का एक क्षण। सप्ताह 33 इस स्तर पर जैसे जैसे आपका शिशु बढ़ता जा रहा है, उसका प्रति सप्ताह लगभग आधा पाउंड वजन बढ़ रहा है। सप्ताह 34 इस सप्ताह या अगले कुछ हफ्तों के दौरान अधिकांश बच्चे प्रसव और जन्म की तैयारी के लिए सिर नीचे की स्थिति में आ जाएंगे। वर्निक्स, जो एक वैक्सी और ग्रीसी लेप है जो गर्भ में आपके बच्चे की त्वचा की रक्षा करता है, वह भी गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। सप्ताह 35 आपके शिशु का मस्तिष्क और फेफड़े अभी भी विकसित हो रहे हैं और 35 सप्ताह के शिशु के मस्तिष्क का वजन 39 से 40 सप्ताह के वजन का केवल 2/3 होता है। यदि आपकी गर्भावस्था स्वस्थ है तो प्रसव के अपने आप शुरू होने की प्रतीक्षा करना महत्वपूर्ण है। यदि आप 39 सप्ताह से पहले सी सेक्शन या प्रसव प्रेरण का समय निर्धारित करने की योजना बना रहे हैं तो यह केवल चिकित्सा कारणों से होना चाहिए। सप्ताह 36 इस अवस्था में आपके शिशु का वजन लगभग 6 से 7 पाउंड होता है और गर्भ में उसका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। हालांकि आपके बच्चे के पास बहुत अधिक पलटिया या रोल करने के लिए जगह नहीं होगी, फिर भी आप उसकी लात और खिंचाव को महसूस करेंगी। यदि आप अपने शिशु के हिलने डुलने की आवृत्ति में कोई बदलाव देखती है तो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता को अवश्य कॉल करें। गर्भावस्था के आखिरी महीनों में शिशु के विकास के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहें।